स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स क्या हैं? व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सेम है, ट्रेवल विद सेम स्पीड थ्रू अ मीडियम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सुपर इम्पोज हो जाती हैं, तो रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं? कौन सी वेव जनरेट हो गई? स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। क्यों बोलते हैं स्टैंडिंग या स्टेशनरी? इसका आंसर भी थोड़ी देर में दूंगा। तो ये आगे की तरफ बढ़ती नहीं है, ये खड़ी 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 बस हिलती रहेगी, मूव नहीं करती ऐसे। जो आपकी नॉर्मल प्रोग्रेसिव वेव है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। ये क्या है? जैसे मेरा हाथ है, खड़ा खड़ा ऐसी वेव मूव कर रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, स्टेशनरी वेव। ऐसा क्यों होता है? मैं रीजन दूंगा आपको। स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स हम दो जगहों पे, तीन जगहों पे बनाएंगे अपने इस कोर्स में। पहली, स्ट्रेच स्ट्रिंग में। स्ट्रेच स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव बनती है, क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में वेव जाती है। मैं सुपर पोजिशन शो करूंगा और रस्सी के अंदर, गिटार की स्ट्रिंग के अंदर, गिटार की स्ट्रिंग टाइट होती है बिल्कुल, उसमें वाइब्रेशन होती है, उसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट करके दिखाऊंगा कैसे बनती है स्टैंडिंग वेव, गिटार में बनती है। दूसरा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल रस्सी में नहीं बनती, साउंड एयर के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, तो एयर के पार्टिकल भी स्टैंडिंग वेव जनरेट करते हैं। एयर के पार्टिकल भी इस तरीके से ही मूवमेंट शो करेंगे, आगे पीछे मूव करते हैं। दिखाऊंगा डायग्राम में कैसे मूव करते हैं। तो एयर के अंदर भी करेंगे, एयर के अंदर जब स्टैंडिंग वेव बनती है तो दो जगह पे बना के दिखाऊंगा, एक पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड। जैसे कि मैंने बताया एक बॉटल है, एक बॉटल में अगर आप एयर ब्लो करो ऊपर से तो बॉटल में ना अजीब सी आवाज आती है, साउंड की वो आवाज आती है, सीटी भी मारते हो आप इस तरीके से, तो बेसिकली क्या है, वो स्टैंडिंग वेव जनरेट हो सकती है उसमें बॉटल के अंदर। तो पाइप यानी कि बॉटल क्लोज एट वन एंड ओपन एट अदर एंड, और एक फ्लूट, फ्लूट दोनों तरफ से ओपन है तो पाइप ओपन एट बोथ एंड, इसमें भी जनरेट आवाज आती है, साउंड जनरेट होती है, क्या प्रॉब्लम है? तो खाली पाइप को अगर आप कॉर्नर से अगर आप एक हवा ब्लो करेंगे, आवाज आती है उसमें, गूंजने की आवाज आती है आपकी साउंड की। तो पाइप ओपन एट बोथ एंड, तो तीन केस करने वाले हैं, स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड, पाइप क्लोज एट वन एंड ओपन एट अदर एंड, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। और भी जगह जनरेट होती है स्टेशनरी वेव, जैसे रेजोनेंस ट्यूब है, कुंड्स ट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं, हम नहीं करेंगे, हम तीन ही केस करेंगे। ठीक है यहां तक?